प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2019 जो सॉल्व कर रहे हैं उसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले पार्ट में 62 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। ठीक है, और 62 नंबर क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन आया था, और कन्फ्यूजन ये था कि ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा था सही, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे कि उसकी एक बात पे जहाँ पे असमान समानांतर बल लिखा है उसी बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने समान समानांतर बल पे सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका था वो सेम था, समान समानांतर बल के लिए वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 62 में आपको देखिए लिखा है यहीं पे पहले ही दो असमान असमान समांतर बल। ठीक है, दो असमान समानांतर बल, या इसी को बोलते हैं अदिश समांतर बल, अदिश समांतर बल। ठीक है, इसी को बोलते हैं अदिश समांतर बल या दो या असमान समानांतर बल। यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दो बल कार्य कर रहे हैं, तो असमान समानांतर बल इसी को हमें मतलब ध्यान में रखना है कि असमान समानांतर बल है। असमान समानांतर बल की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे दो समांतर बल जिनका दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, लेकिन वे दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई एक बल इधर कार्य कर रहा हो तो दूसरा बल इधर कार्य करेगा, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, असमान समानांतर बल या अदिश समानांतर बल। देखेंगे तो ये दोनों बल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, असमान समानांतर बल। इसका जो परिणामी होता है दोनों बलों के क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। तो मान लेते हैं इसका परिणामी एक बल P है और दूसरा बल Q है, तो इसका जो परिणामी होगा, परिणामी किधर होता है, तो इस साइड होता है। ठीक है, ये जो परिणामी मान लेते हैं, ये बिंदु O है, इसका जो मान होगा, इस परिणामी R मान लेते हैं। ठीक है, इस परिणामी R का मान होगा O बिंदु पे क्या होता है, तो बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी P माइनस Q होता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, परिणामी बल। दो असमान समानांतर बलों का परिणामी बल क्या होता है, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, तो जो यहाँ पे हमारा क्या होगा, परिणामी बल होगा, तो क्या निकालते हैं, तो इसकी दूरी क्या होगी, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ओ है। ठीक है, तो क्या निकालते हैं, तो बल मान लेते हैं, बल और उसके बीच की दूरी। ठीक है, तो पी अगुणे इस परिणामी बल से दूरी क्या है इस बिंदु की, तो क्या है, बी ओ, तो बी ओ बराबर होता है क्या, दूसरा बल क्या है, क्यू, इसके परिणामी बल से इसकी दूरी क्या है, तो ए ओ, क्या है, तो गुणे ए ओ, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यही समान समानांतर बल होता है, तो समान समानांतर बल का कैसा फिगर बनेगा, समान समान समांतर बल का, समान समांतर बल इसका ऐसे होता है, जैसे दूसरा बल जो दो बल होंगे समांतर बल, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, एक तरफ होगी, या इस साइड होगी या इस साइड होगी। ठीक है, इसका जो परिणामी होता है वो बीच में ही होता है, और उसका जो मान होता है दोनों बलों के, जैसे P है और ये Q है, तो परिणामी क्या होगा, P प्लस Q होगा। ठीक है, P प्लस Q होगा, इसके मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे है, O है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, तो P अगुणे ए ओ बराबर होगा किसके, तो Q गुणे बी ओ के, ये हो जाएगा। तो ये समान समानांतर, या इसी को कहते हैं सदिश समानांतर, सदिश समांतर बल या समानांतर बल। ठीक है, बल ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो यही हमने ध्यान नहीं दिया था, क्वेश्चन में असमान समानांतर बल लिखा है, पढ़े भी थी लेकिन मैंने सॉल्व करते समय इस पे सॉल्व कर दिया था। ठीक है, समान समानांतर बल पे, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो में उसका सोल्यूशन, फिर आगे देखेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा फार्मूला हमारा ये लगेगा। ठीक है, तो देखिए दिया है पहले बल का मान दिया है कितना, यानी एक बल दिया है 2 न्यूटन और एक बल दिया है 16 न्यूटन। ठीक है, तो मान लेते हैं इस P का मान है 16 न्यूटन और इस Q का मान है कितना, 2 न्यूटन। ठीक है, और इस छड़ की लंबाई क्या है इसकी, तो 21 सेंटीमीटर यहाँ की लंबाई है। ठीक है, तो पूछा था इसमें कि बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी बल कार्य करेगा। परिणामी बल कहाँ कार्य कर रहा है, इस O बिंदु पे, तो बड़ा बल कौन है, 16 न्यूटन, तो इससे इसकी दूरी मान लेते हैं क्या है, एक्स मीटर है। क्या है, एक्स मीटर है, इसी का हमें मान निकालना है।
ठीक है, इसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, यदि यही पूछता कि इसका परिणामी बल क्या होता है, तो परिणामी बल निकाल के कर देते क्या, आर बराबर क्या हो जाता, पी माइनस क्यू, यानी 16 - 2 बराबर कितना हो जाता, 14 न्यूटन। तो यदि परिणामी बल पूछता आपसे ऑप्शन में कि परिणामी बल क्या होता, तो यहां से निकाल लेते इस फॉर्मूले से 14 न्यूटन। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज करेंगे क्योंकि हम इससे एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पी का मान कितना है 16, तो 16 गुणे बी ओ, यानी ये बीच की दूरी लेते हैं। ठीक है, परिणामी बल से उस बिंदु जहां पे बल लगाया जाता है उसकी बीच की दूरी, तो क्या है बी ओ, बी ओ बराबर क्या है एक्स मान है, तो एक्स बराबर होगा किसके, क्यू, क्यू का मान कितना है 2 गुणे ए ओ, ए ओ, तो ए ओ की दूरी क्या होगी, तो इतना दूरी एक्स है, सॉरी इतना दूरी 21 सेंटीमीटर है, इतना दूरी x है, तो ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं 21 + x। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16x बराबर 21 × 42 प्लस 2x। अब x वाले को एक तरफ करेंगे तो 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यही समांतर बल में क्या हुआ था, यहाँ पे माइनस किए थे ना, क्योंकि समांतर बल बीच में होता है, तो दूरी बड़े बड़े बल से मानेंगे x, जैसे वहां पे सॉल्व किए थे तो 21 - x किए थे, यहीं से प्लस माइनस का बस आया था अंतर। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 - 16x - 2x बराबर कितना हो जाएगा 42, तो 16 में से 2 चला जाएगा कितना 14x बराबर 42, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर यहां से आया था। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन 3 सेंटीमीटर कौन सा करेक्ट हुआ था, 62 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जो पिछले पार्ट में देखे थे वहां पे असमान को ध्यान में नहीं दिया गया था, मैंने सॉल्व करते समय असमान को ध्यान नहीं दिया, फिर जब मैं सेकेंड पार्ट बनाने गया था तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को एक बार देखा, कहे कि कहाँ पे गलती हो रही थी एक बार और देख ले, फिर अभी समझ में आया कि हाँ असमान समानांतर बल कर रहा था और उस समय हमने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो अब आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, वो भी सोल्यूशन करने का तरीका सेम था, लेकिन वो किसके लिए था, समान समानांतर बल के लिए था। ठीक है, और ये क्वेश्चन में हमारा असमान पूछा है। ठीक है, तो असमान समानांतर बल के लिए ये प्रोसेस यूज करेंगे। बात समझ में आई है, चलिएगा नोट कर लीजिएगा आप इसे, बात क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। समान समानांतर के लिए वो वाला पिछले पार्ट में जो सोल्व कराया है वैसे कर लेंगे। ठीक है, यदि समान समानांतर बल का हो असमान होगा तो ऐसे करेंगे। बात समझ में आई है, चलिएगा अगला देखते हैं हम इस पार्ट में बात करते हैं। तो 63 नंबर से, अब 63 नंबर से हमें देखना था। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था थोड़ा गलत मतलब वो हो गया था, समझिए थोड़ा मिस हो गया था, मिसप्रिंट किया मुझसे, मिस हो गया था। ठीक है, चलिएगा मैंने ध्यान भी नहीं दिया था इसे, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग 63 नंबर देखते हैं। ठीक है, 63 नंबर देखिएगा, यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति के एक 80 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कोई तरंग है, ठीक है, कोई क्या है हमारी तरंग है, इस तरंग को ऐसे चलेगी भाई, तरंग ऐसे आगे बढ़ेगी, तो इसको 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, तो दूरी तो हमें पता है कितना है 1 किलोमीटर, क्या चाल पता है, दूरी तो पता है, चाल पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो चाल पता करके और उसके बाद इस दूरी में हम भाग कर दे चाल से, तो हमें समय पता चल जाएगा कि कितने सेकंड में तय करेगी। तो देखिए क्या क्या दिया है, हम कैसे चाल निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में उससे निकालेंगे। क्या क्या दिया है, तो आवृत्ति एन का मान दिया है 500 हर्ट्ज। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य यानी लेमडा का मान दिया है 80 सेंटीमीटर, तो इसको लेकर आएंगे एमकेएस पद्धति में यानी एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में दूरी की मात्रा क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, नहीं मीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 × 10⁻²⁪ मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर हो गया। आपको पता है फार्मूला एन और लेमडा है, तो तरंग की चाल का फार्मूला पता है, वी बराबर क्या होता है एन इंटू लेमडा, यहां से निकाल देंगे तो एन का मान कितना है 500 गुणे लेमडा का मान कितना है 80 × 10⁻²। 80 × 10⁻², आपको पता है -2 को हम नीचे लेकर आए बटे में, तो ये +2 हो जाएगा, या 10⁻², को हम लिख सकते हैं क्या 1/10⁻², लिख सकते हैं, 10⁻², का मतलब 100 होता है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 × 8 = 40, यानी जो उसका वेग आ जाएगा v का मानो कितना आ जाएगा
400 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, देखिए चाल पता चल गई ना, 400 मीटर पर सेकेंड। तो अब निकालेंगे समय कितना होगा, दूरी दिया है 1 किलोमीटर, चाल दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड है, एमकेएस पद्धति में है अर्थात एसआई पद्धति में, तो इसको भी एसआई पद्धति में लाएंगे। दूरी को मीटर में नापते हैं ना कि किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 बटे में चाल कितना निकाल दिए हैं 400, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में आपको 4 से भाग करना है, कितना जाएगा 2.5 सेकेंड हो जाएगा। 4 × 2 = 8, 10 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ऑप्शन में दिया है 2.5 सेकेंड, 2.5 मिनट, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा मात्रक ध्यान में रखिएगा, नहीं तो मात्रक नहीं ध्यान में रखेंगे तो देखिए दो सिमिलर ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, दो ऑप्शन दिए, एक दिए 2.5 मिनट, 2.5 सेकेंड, सिमिले 25 सेकेंड या 25 मिनट, तो मात्रक को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका यूनिट्स क्या होगा, सेकेंड होगा, क्या होगा, सेकेंड होगा, क्योंकि हम एमकेएस पद्धति में लेके चल रहे हैं। किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। आपको पता भी है जो समय होता है हर पद्धति में उसका मात्र क्या होता है, सेकेंड ही होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, चलिएगा तो इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, क्या हुआ? क्या है बी वाला ऑप्शन, 2.5 सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा इसे, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपका पेपर नजदीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्या पता आपको इसी से सिमिलर क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा है इसमें कि एक 4.0 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कौन सा दर्पण है जी, हमने बोला है जब भी दर्पण और लेंस की बात करें तो लिख लें कि कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो हमारा दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हो गया, तो चिन्ह पर पार्टी का नियम हमेशा भेजे में रहना चाहिए कि क्या कौन सा निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो वस्तु का आकार दिया है वो कमान वो 4 सेंटीमीटर दिया है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर रखते हैं, ऊपर वाले एक्सिस पे वाई एक्सिस पे रहता है। ठीक है, और कह रहा है कि अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, से सम्मुख 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जो वस्तु है दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी U का मान दिया है कितना, -25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दर्पण से किस दूरी पर एक पर्दा रखा जाए कि वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बन सके, यानी हमें V का मान बताना है, क्योंकि V का मान जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे तो पर्दा लगाएंगे, तभी तो पर्दे पे आएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अर्थात हमें V का मान पूछ रहा है, तो हमें तो इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है जी। ठीक है, भी का मान पूछ रहा है तो इसी वैल्यू से निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, 1/f = 1/v + 1/u, हमें मान किसका निकालना है, इसका, तो इसको एक तरफ रखिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा 1/v = 1/f का मान कितना है, -15, माइनस ये भी है। ठीक है, माइनस 1/u, u का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/25। ठीक है, हो गया। मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया कि क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऐसा होता है कि जो दोनों से कट जाए, तो 15 और 25 से कटने वाला कोई एक डिजिट बताइए, एलसीएम क्या होगा, 75, 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75 कट जाएगा ना। चलिए, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 75। तो मैंने बताया कि जो एलसीएम आता है उसमें सभी पदों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75/v = अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 1/15 × 75 करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी सीधे यहां से हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये कितना गुना है इसका, 15 × 5 = 75, तो क्या हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 25 × 75 यानी +3, तो -5 + 3 कितना होगा -2, कितना होगा -2 होगा। ठीक है,
अब यहां से निकालेंगे त्रिक गुणा करके तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा 75 बटा में माइनस 2। यहां से करेंगे इसका भाग करेंगे तो v का मान क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा कितना, 2 तिया 6 एक बचेगा 5 होगा, 3 5 अरे सॉरी 2 है ना, तो 2 तिया 6 15 होगा, 2 7 14 एक बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 यानी -37.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात इतनी दूरी पे हम पर्दे को रखेंगे तो हमारा तिरछा प्रतिबिंब बनेगा। अब किस साइड रखेंगे ये बात कौन निर्भर करेगा, तो ये चिन्ह निर्भर करेगा। माइनस में आ रहा है ना, माइनस में मतलब वस्तु की ओर, वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, माइनस में होती है, अर्थात जो भी है वो भी माइनस में आ रहा है। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब भी बनता है वो दर्पण के सामने ही बनता है, अर्थात माइनस में ही बनता है, ठीक है। तो कितनी दूरी पे रखेंगे, -37 यानी 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। माइनस क्या बता रहे, दर्पण के सामने यानी वस्तु की ओर ही रखेंगे उस किसको, क्या बोलते हैं, पर्दे को, ठीक है। अब देखिए आपकी वस्तु की दूरी 25 है, प्रतिबिंब की दूरी 37, यानी वस्तु यहाँ पे होगी तो और इसके पीछे रखेंगे, वस्तु के पीछे रखेंगे पर्दे को, ठीक है, तिरछा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो हमें दूरी से मतलब है, दूरी आई है ना -37.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन को मैच कराइएगा तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा जी, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। बात समझ में आई होगी सबको, बात समझ में आई है, चलिएगा नोट करिएगा इसे, फिर अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर बिल्कुल आसान है, ध्यान में बस इस पे आपको गौर करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल P न्यूटन है, गुरुत्वाकर्षण बल P है, इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे के समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल Q है, क्यों न्यूटन हो, तो आप कंडीशन बताइए कि क्या होगा, P ग्रेटर देन Q होगा या P इक्वल टू Q होगा या इनमें से कोई नहीं या P लेस देन Q होगा, क्या होगा, ठीक है। देखिएगा दो पिंड है, एक ये है और एक ये है, दूरी क्या है इसकी भी मान लेते हैं, x दूरी है, ठीक है, या दूरी क्या है हमारी d है, जो भी मान लीजिए, ठीक है, या r मान लीजिए, क्या मानिए, r मान लीजिए, इसका द्रव्यमान m1 मान लीजिए, इसका द्रव्यमान m2 मान लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल P है, P न्यूटन है, तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, P है। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो जब ये हवा में है, समझिए वायु में है, तो इसके बीच जो ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो क्या लग रहा है हमारा, P लग रहा है, क्या लग रहा है, P लग रहा है। फिर कह रहा है इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में रखा जा रहा है, इन्हीं को अब पानी में रखा जा रहा है, किसमें, ये तो हवा में है, अब रखा जा रहा है किसमें, पानी में। दूरी क्या है, सेम वही है, आर मीटर पे ही है दोनों द्रव्यमान, M1 और M2 ही है, तो इसके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या काम करेगा, F बराबर जी M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है इस बल का मान वो क्या दिया है, क्यू न्यूटन दिया है। तो कह रहा है ये दोनों बल क्या होंगे, ये बड़ा होगा इससे या ये बड़ा होगा इससे या दोनों बराबर होंगे या इनमें से कोई नहीं, यही पूछा है, ठीक है। तो आप फार्मूला को देखकर बताइए, क्या इसमें माध्यम का जिक्र है, एफ हमारा बल है, जी क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो हर जगह फिक्स होगा, इसकी वैल्यू आप पृथ्वी पे रहिए, मंगल ग्रह पे, बुध पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यूनिवर्सल है, हर जगह क्या है ये फिक्स है, जिसका मान 6.67×10^-11 होता है, ठीक है। तो ये तो मान फिक्स है, ये है हमारा द्रव्यमान और ये क्या है इनके बीच की दूरी। तो क्या इसमें कहीं माध्यम का जिक्र हुआ है कि पानी में रखेंगे तो बल होगा ऐसा या किसी और माध्यम में जाएगा तो बल निर्भर, बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा तो जिक्र है नहीं, यानी इसमें माध्यम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्या होगा इस पे माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप हवा में रखिए, ये ले जाके कहीं और रख दीजिए या जल में डुबा दीजिए, शराब में डुबा दीजिए, कहीं भी डुबा दीजिए, ये जो इन दोनों के बीच जो दूरी है आर, ठीक है, अद्रमान जो है सेम है, तो आप हवा में रखिए, जल में रखिए, कहीं भी रखिए, इनके जो बीच कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या होगा, दोनों ही बराबर होगा, अर्थात P बराबर क्या होगा,
क्यू होगा। यहाँ से कैलकुलेशन का निकल के आएगा कि जो पी होगा वो क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा। दोनों बल ही क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो बल होता है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। दो बलों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पी इक्वल टू क्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी। इसका ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिए इतना। चलिए आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक LCR परिपथ में सिरों के बीच 10 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL का मान दिया है 20 ओम, धारिती प्रतिघात XC का मान दिया है 20 ओम तथा ओमी प्रतिरोध R का मान दिया है 5 ओम। तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, यानी जेड का मान पूछा है। तो परिपथ बना लेते हैं, हमारा कौन सा है, LCR परिपथ है। ठीक है, तो LCR परिपथ मतलब एक हम L लगाएंगे, यानी जो स्प्रिंग टाइप का बना रहता है वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा L, और इसका L का प्रतिघात दिया है, यानी XL का मान दिया है, यानी इसमें कितना प्रतिरोध है। ये प्रतिघात का मतलब होता है प्रतिरोधी। ठीक है, तो इसका प्रतिघात दिया है, XL का मान दिया है 20। फिर एक क्या है हमारा, संधारित है, C है, कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर का समानांतर रेखा से ऐसे दिखाते हैं, एक ये लगा हुआ है और एक क्या है हमारा, प्रतिरोध है, ये लगा है। ठीक है, और इसी को हम एक प्रतिवर्ती धारा 100 वोल्ट से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। ये हो गया हमारा C, यानी एक्स सी का मान भी दिया है 20, ये हो गया हमारा R, R का मान दिया है 5। तो ये हो गया हमारा LCR परिपथ, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध होगा और इसका भी प्रतिरोध। तो इस परिपथ का जो कर है ना, कि परिपथ की प्रतिबाधा होगी टोटल, इस पूरे परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रतिबाधा जेड का फॉर्मूला होता है LCR परिपथ के लिए, क्या होता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड का। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो देखिए R का मान दिया है, R का मान दिया है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस XL का मान दिया है 20 माइनस XC का भी मान है 20 स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0। तो यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, हट गई, 20 माइनस 20 यानी पूरी हट गई। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 5 का स्क्वायर है अंडर रूट में, तो यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25, इसका बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5 ओम, कितना आ जाएगा 5 ओम। तो इस परिपथ की जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 ओम। ऑप्शन दिया है 5 ओम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी दिया है, सी में, यानी 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए। बिल्कुल आसान था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, LCR परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 67 नंबर, ये भी बिल्कुल आसान है, आपको मैंने बताया है थ्योरी में ही कि तरंगदैर्ध्य और चाल में जो संबंध, वो तो फार्मूले से ही निकालेंगे। ठीक है, कह रहा ना कि एक कांच के एक प्रिज्म में बैगनी लाल एवं हरे प्रकाश के वेग क्रमशः VB, VR और VG है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, यानी कौन कौन से रंग है, तो बैगनी है, और क्या है तो लाल है, और क्या है तो ग्रीन है। ठीक है, ये है, और ये क्या करें, एक कांच के प्रिज्म में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो देखिए वे कहाँ गया, निम्नलिखित प्रकाश, हरे प्रकाश के वेग, वेग क्रमशः, वेग दिया है ना, क्या दिया है, वेग दिया है, वेग, तो वेग क्या होता है, किसी भी तरंग का वेग v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा। यदि हम n को क्या करें, नियत करें तो v क्या होगा, v प्रोपोर्शनल लेमडा होगा, यानी जो वेग होगा वो तरंगदैर्ध्य के क्या होगा, समानुपाती में होगा, यानी जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, सॉरी उसकी वेग क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी यहाँ से हमें निकलता है कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका वेग भी क्या होगा,
ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका वेग भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमारा कलर है क्या, तो बैगनी, बैगनी, लाल और हरा। ठीक है, अब इसमें किसका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है, तो जो बैगनी का तरंग दैर्ध्य होता है, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का, वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बैगनी रंग का ही तो सबसे ज्यादा विचलन होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका कम विचलन होता है। हरा रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, लाल से थोड़ी कम होती है लेकिन बैगनी से ज्यादा होती है, यानी इसका तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तरंग दैर्ध्य इसका लाल रंग का सबसे ज्यादा है, उसके बाद से हरा है, उसके बाद से बैगनी है, तो हम बनाएंगे पैटर्न तो क्या बनेगा, वी आर ग्रेटर देन वी जी, ग्रेटर देन ये होगा किसके, वी बी के। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बनेगा। ठीक है, या इसी को एक बार रिवर्स में लिख सकते हैं क्या, तो वी 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 जी और वी आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ऑप्शन में से जो आपको ऑप्शन दिखे उस ऑप्शन को आप क्या करिए, टिक कर लीजिए। देखिएगा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा कौन मिलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में तो सब इक्वल किया है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया है वी बी लेस देन वी जी लेस देन वी आर, यानी ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन मैच करे तो और तो ऑप्शन कोई मैच करेगा नहीं, अर्थात ये वाला पैटर्न ना देखे, ये वाला पैटर्न ऑप्शन में आपको दिया है, तो ये वाला पैटर्न किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया ना तरंग दैर्ध्य और वेग पे क्या रिलेशन होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग में रिलेशन होता है समानुपात का, तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होगा उसका वेग ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं अगला 68 नंबर क्वेश्चन की, तो हमें लग रहा है उतने जगह में हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले पे ही है। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हैं। ठीक है, 68 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, वैल्यू क्या क्या दिया है, आर का मान दिया है, कितना ओम, 4 ओम। ठीक है, कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ये, प्रति सेकेंड यानी टी बराबर दिया है एक सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब एक, हर एक सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा यानी एच या डब्ल्यू का, यही से इसका मान दिया कितना, 100 जूल। ठीक है, 100 जूल ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, की जाती है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। ठीक है, तो जो हीट है, हीट का जो तीन फॉर्मूले क्या था, H बराबर वी आई टी या H बराबर आई स्क्वायर आर टी या और एक H बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये तीन फार्मूले होते हैं। इन तीन फार्मूले में से जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, वी का मान पूछा है, हमसे वी का मान क्या क्या है पूछा है, यानी हमें रिलेशन निकालना है आर टी वी और एच या डब्ल्यू जो लेना है। ठीक है, तो वी आर टी एच दिया ना, यानी ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, तो विभवांतर वहां से निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एच का मान दिया है कितना, 100 बराबर वी का मान हमें निकालना है बटे में आर का मान दिया कितना, 5 और गुणे टी का मान दिया है 1 सेकंड। ठीक है, कितना दिया है, 1 सेकंड, सॉरी आर का मान दिया है 4 ना जी, 4 दिया है। ठीक है, और टी का मान 1 सेकंड, तो अब यहां से त्रिया गुणा करिए, त्रिया गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर बाय 4 ही होगा, त्रिया गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो वी का मान निकालेंगे, तो वी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हर्ट के यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 बोल्ट, 20 बोल्ट यानी जो उनके सिरों पे विभवांतर हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 20 बोल्ट का। ऑप्शन में दिया है आपका 20 बोल्ट, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अर्थात 68 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, बिल्कुल आसान था, ये फार्मूले पे ही था। ठीक है, ये फार्मूला जो है इसको तीनों को याद रखिएगा, वैल्यू के हिसाब से आप जो भी फार्मूला यूज करना चाहेंगे कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से ही तो फार्मूला यूज करेंगे, बात समझ में आई है, चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा। चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिए जितने लोग भी हैं। देखिए कह रहा है कि एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में चली गई दूरी एवं विस्थापन में अनुपात होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक कण है जो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। किस पथ पे? तो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, जिसकी त्रिज्या दिया है आर का मान कितना दिया है, तो 1 मीटर। कितना दिया है? 1 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है एक समान चाल से इस पे गति कर रहा है, तो कण द्वारा आधा चक्कर लगाने में, तो मान लीजिए कण यहां से गति करे या कहीं से भी आप ले लें, मान लीजिए यहीं से गति करे और यहां से गति करना शुरू कर रहा है तो आधा चक्कर लगाएगा, यानी मान लीजिए यहां तक जाएगा। इस परिधि का, इस वृत्त का अर्धवृत्त हम मान लेते हैं निकाल दे तो वहीं तो आधा होगा, इस परिधि का तो आधा होगा, ठीक है, आधा चक्कर। वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो आधा चक्कर मतलब अर्धवृत्त, ठीक है। तो यहां से यहां तक जा रहा है, जैसे मान लीजिए ओ बिंदु से पी बिंदु पे जा रहा है, ये हमारा क्या है, ओ मान लेते हैं। तो जो ओपी होगा, ठीक है, वही तो हमारा त्रिज्या होगा, वही तो हमारा त्रिज्या होगा, त्रिज्या बराबर दे दिया 1 मीटर, ठीक है। तो जो ओपी है वही बराबर होगा किसके, सॉरी इसको मान लेते हैं क्यू, वही किसके बराबर होगा, तो ओ क्यू के बराबर होगा, यही बराबर होगा किसके, 1 मीटर के, क्योंकि ये क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या भाई हर जगह बराबर ही होगी, ठीक है, तो त्रिज्या है। करे आधा चक्कर, यहां से मान लीजिए पिंड चल रहा है और यहां तक आ रहा है, तो कितनी दूरी कवर करेगा, और विस्थापन, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है हमारा विस्थापन होता है, तो विस्थापन कितना होगा, तो आर और आर, यानी 2r क्या होगा हमारा, विस्थापन बराबर हो जाएगा 2r, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बराबर 2r, r का मान दिया है 1, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी जो हमारा विस्थापन निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 मीटर, कितना आ जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। तो रिलेशन पूछा है हमें दूरी और विस्थापन में, विस्थापन में, तो विस्थापन का तो रिलेशन पता चल गया 2 हो गया, यानी विस्थापन पता चल गया 2 हो गया, दूरी कितना होगा वो निकाल के रिलेशन हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एक वैल्यू निकाले तो ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सोल्व करिएगा ऑप्शनल, तो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को लेके सोल्व कर दें, ठीक है। यदि ऑप्शन से सोल्व हो जा रहा है, ऑप्शन को उठा कर सोल्व क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं, तो ऑप्शन से ही हो जा रहा है तो क्या मेहनत करने की जरूरत है। देखिए ऑप्शन में देखिए, तो विस्थापन का तो दूसरा पोर्शन है, ये वाला विस्थापन का, विस्थापन को दिखाएगा, तो विस्थापन में 2 किस किस ऑप्शन में दिया है, देखिए पहले में 1 दिया है, दूसरे में 2 दिया है, तीसरे में पाई दिया है, तीसरे में 1 दिया है, यानी इन चारों ऑप्शन में से विस्थापन सिर्फ 2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहीं से हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे, यहीं से हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि किसी सेकेंड यानी विस्थापन वाले पार्ट में किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिया है, केवल बी को छुड़ा के, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या दूरी भी निकाल के कंफर्म कर लें भाई, यदि 2 ऑप्शन में 2 मिल गया तो दूरी को तो कंफर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 1 मिला बी में, तो बी को टिक कर लेंगे, यहाँ तो ठीक है, यदि किन्हीं 2 ऑप्शन में मिल जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो दूरी निकालेंगे, तो दूरी हमारी कितना होगी, अर्ध, ये अर्धवृत्त, ये अर्ध परिधि होगी, पूरी, ये पूरी हमारी क्या है, ये परिधि है, परिधि का इतना ही दूरी तय कर रहा है, आधा आधा तय कर रहा है, तो परिधि क्या होती है हमारी, परिधि क्या होती है, वृत्त की 2πr, लेकिन आधा ही चल रहा है ना, तो आधा के लिए आधा कर दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, पाई आर, आर का मान है 1, तो क्या हो जाएगी परिधि इसकी, यानी परिधि, परिधि क्या होगी हमारी, दूरी होगी, यही कितना आ जाएगा, तो पाई गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, पाई, यानी दूरी आ जाएगा कितना, पाई। अब रिलेशन आ जाएगा पूरा, पाई संबंध है 2, पाई संबंध है 2, ऑप्शन बी में दिया है ना, पाई संबंध है 2, तो यहाँ से यदि ऑप्शन, ऑप्शन आपका नहीं हो पा रहा है, दोनों कई ऑप्शन में 2 दिया है विस्थापन के लिए, तब तो दूरी निकालना ही पड़ेगा, और नहीं तो नहीं दिया है तो आसानी है, किसी एक वैल्यू को निकाल के ऑप्शन को देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है, एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू जिसको मैच करेगा वहीं से टिक कर सकते थे, जैसे इस क्वेश्चन में है, जैसे विस्थापन का निकाले है ना, 2 निकाल लिए थे, और 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है विस्थापन का मान, ठीक है, तो यहाँ से बी को टिक कर सकते थे, बात समझ में आई है, चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है, 69 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान में आया, ठीक है, समझ में आया, चलिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर जो कि बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि एक 20 फेरों की कुंडली से
बद चुंबकीय फ्लक्स एक सेकेंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य हो जाता है। 0.3 वेबर से घट के शून्य हो जाता है तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, ई बराबर क्या होता है, माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई का मान तो कह रहा है ना 0.3 से घट के क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं डेल्टा फाई बराबर निकालेंगे तो पहले तो फाई वन माइनस फाई टू करेंगे, यानी दो वैल्यू होगा, फाई टू माइनस फाई वन करते हैं ना। ठीक है, अब देखिए शुरू शुरू में जो है हमारा, इधर से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करें तो शुरू शुरू में जो है देख लीजिए, शुरू शुरू में हमारा फाई वन कितना है तो 0.3 है। ठीक है, 0.3 कह रहा है ना, 0.3 वेबर है। ठीक है, इतना वेबर है, इतना वेबर से घट के फाई टू जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, जीरो वेबर हो जा रहा है। कितने सेकेंड में, तो टी बराबर एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड में। ठीक है, फेरों की संख्या एन बराबर दिया है 20 फेरे हैं। ठीक है, तो ई का मान क्या होगा इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा फाई का मान निकालते हैं इससे, तो फाई टू का मान जीरो, फाई वन का मान 0.3, तो घटेंगे तो क्या होगा माइनस 0.3, इतना वेबर हो जाएगा, वेबर प्रति सेकेंड हो जाएगा, अरे सॉरी वेबर, इतना वेबर हो जाएगा। ठीक है, इतना वेबर का क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले एन का मान दिया ही, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी यानी एक सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, तो टी का ही मान दिया भी है, जीरो से एक घटाएंगे, एक माइनस जीरो यानी एक ही हो जाएगा। तो डेल्टा टी का भी मान पता है, एन का भी मान पता है, डेल्टा फाई का भी मान निकालिए, तो ई बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस 20 गुणे फाई का मान कितना है, माइनस 0.3 बटे में एक, अरे सॉरी टी, टी का मान कितना है एक, यहां से तो कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब ई बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो जीरो से आपका दशमलव हट जाएगा, तीन में दो से गुणा करिए क्या हो जाएगा, छः, यानी 6 वोल्ट, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, 6 में एक से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा ना, तो 6 वोल्ट। ऑप्शन किस में दिया है, 6 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अर्थात जो 70 है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समझ में आई है बात। ठीक है, चलिएगा इतना नोट करिए, फिर 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर देखिए, ये 71 नंबर क्या कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 किलोग्राम की एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, कार को रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कार को रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा भाई, तो कार्य बराबर डबल बराबर फार्मूला आता है F into D। ठीक है, तो हमें तो F का मान पता नहीं है कि कितना बल कार्य कर रहा है, तो F का फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है M into A, तो यहाँ से हम W बराबर फार्मूला बना सकते हैं M into A into D, यानी ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, M हमें पता है, M का मान दिया है कितना 2000 किलोग्राम। ठीक है, 2000 किलोग्राम, और क्या कर रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, और इसका वेग दिया है, वेग कि कितने वेग से चल रहा है, यानी u का मान दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा, तो इसको मीटर पढ़ सकें क्योंकि हमारा MKS पद्धति में मात्रक है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इसको निकालेंगे तो MKS में तो क्या करेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड क्या है, छोटा है ना, तो छोटा, तो 5/18 याद रखिएगा, 5/18। ठीक है, इसमें से छोटी वैल्यू कौन है, 5 है, तो 5 को ऊपर कर दीजिए, 18 को नीचे कर दीजिए, गुणा करेंगे तो जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना हो तो मीटर पर सेकेंड छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 18, तो 18 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे करके जो वैल्यू दिया है उसमें गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आई है, चलेगा, तो यहाँ हमें किलोमीटर से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में करना है, यानी बड़े से छोटे में करना है, तो छोटे वालों को ऊपर रखेंगे, बड़े वालों को नीचे, 18 से 18 कट जाएगा, कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। उधर दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है,
अब दिख रहा है, चलिए अब हमारा दिख रहा है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यू का मान निकल के आ गया। अब देखिए हमें कार्य का मात्रक निकालना है, सॉरी कार्य का मान निकालना है कि कार को रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, और कार्य के लिए हमें चाहिए एम का मान, ए का मान और डी का मान। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ एम पता है और यू पता है, ए और डी तो पता ही नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वेग तो पता है ना, प्रारंभिक वेग किस वेग से चलना शुरू कर रही है, तो ये पता है, तो हम गति का समीकरण से इन दोनों के मान निकालेंगे, ए और डी का। डी का मतलब विस्थापन, इसको दूरी भी मान लेते हैं, दूरी डी या एस जो भी कहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम गति का समीकरण यूज करेंगे, और वो भी कौन सा समीकरण, तो देखिए यू का मान पता है कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लास्ट में जाके रोक देंगे तो वी बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दो वैल्यू पता है और दो वैल्यू निकलना है, ए और डी, तो किस समीकरण में ए और डी, डी का मतलब विस्थापन है, दूरी, किस ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन किस समीकरण में, तो समीकरण नंबर 3 को आप ध्यान में रखिएगा, बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, देखिए हमें इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, ये दो तो है ही, इन्हीं दोनों का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहीं पे ना ये दोनों हैं, डी या एस कहिए, बात वही है। ठीक है, एस यानी वही दूरी है, डी यानी दूरी ही है, ठीक है, विस्थापन ही है, यानी कितनी दूरी पे जाके कार रुकेगी, वही है, ये एस है। ठीक है, तो इसको एस को ना लेके यहाँ पे मैं डी ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये होगा, अब उसी दोनों का यहाँ से निकाल लेंगे मान, तो इसका मान है हमारा 0, इसका मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, अब प्लस क्या हो जाएगा 2AD हो जाएगा। ठीक है, 2AD, तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो 2AD बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 25। ठीक है, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, AD बराबर, तो इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं मिटा के, इसको नोट कर लिया है ना, जो नोट ना किया होगा पीछे वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके उसको नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए तो कितना आ गया, 2AD बराबर कितना है, -25 है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर -25/2। ठीक है, -25/2, आपको पता है ये कभी माइनस में होगा नहीं, तो इसको आप माइनस ना लिखिए। ठीक है, बात समझ में आएगी, तो AD का मान कितना आ गया, 25/2। तो अब यहाँ से कार्य का मात्रक निकाल, कार्य का मान निकाल सकते हैं MA × D से, M का मान कितना है 2000 गुणे इस AD का मान निकालने, कितना 25/2, 25/2, यहाँ से कटाएंगे तो 1000 में कट जाएगा, 1000 बार में, 1000 से 25 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25000 जूल, 25000 जूल। ऑप्शन में देखिए 25000 जूल दिया है नहीं, यानी इसको अब दशमलव में, ये जो पहला चैप्टर पढ़े हैं अब उस चैप्टर के हिसाब से दशमलव को एडजस्ट करें हैं, तो दशमलव लास्ट में है, इसको लेकर आइए यहाँ पे उठा के, तो जितना दशमलव इधर आएगा घात उतनी पॉजिटिव चढ़ेगी, 10 की पावर पॉजिटिव में चढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.5, अब कितना स्थान है दशमलव, देखिए 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान आया है, यानी गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 जूल। ये ऑप्शन में देखिए इतना मैच जरूर होगा, और करके इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 × 10 की पावर 4 जूल ऑप्शन दिया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, अर्थात जो 69 है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 69 कर रहे हैं, 71 इसको देख के कर रहे हैं, 71 तो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व करते हुए आए हैं ना, यानी 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बात समझ में आई होगी दोस्तों, चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिए इतना, जिसको शॉर्ट रेशन करना है उसको शॉर्ट रेशन कर लीजिए, हट जा रहे हैं हम, नोट करिए। चलिए 72 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल F के विरुद्ध 54 न्यूटन बल द्वारा एक खुरदरी सतह पर खींचा जाता है, ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो घर्षण बल F का मान होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एक ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है तो 6 किलोग्राम, और ये एक खुरदरी सतह पे क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, वो भी किसके, तो घर्षण बल F के विरुद्ध, घर्षण बल F के विरुद्ध खींच रहे हैं इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं बल इधर लगाएंगे,
ठीक है, बल जो लगा रहे हैं 54 न्यूटन का, तो इधर लगा रहे हैं, ये हमारा नेट बल है। नेट बल कितना न्यूटन बल से हम इसको खींच रहे हैं, तो इसपे जो घर्षण बल लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है। एफ मान लेते हैं घर्षण बल, हमेशा मान लीजिए इधर से वस्तु को खींच रहे हैं तो घर्षण बल उस डायरेक्शन यानी बल के विपरीत लगता है। इधर से धकेलेंगे तो घर्षण बल उधर से इधर धक लेगा, ठीक है। तो यानी घर्षण बल हमेशा विपरीत लगता है बल के, तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं तो 54 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी जो बल है नेट बल उसमें घर्षण बल एफ भी मौजूद है और जो हम बल लगा रहे हैं ये हमारा घर्षण बल है, घर्षण बल, और ये हमारा क्या है लगाया गया बल है, ठीक है। तो घर्षण बल और बल दोनों का मान मिला के दिया हमारा 54 न्यूटन, ठीक है। कितना दिया है 54 न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ घर्षण प्लस एफ बल, यानी कितना हम बल लगा रहे हैं। तो एफ घर्षण निकलना है, ठीक है। तो हम बल तो पता कर ले कि हम कितना बल लगाए हैं, हम लोग घर्षण बल के विरुद्ध तो पता है कि 54 न्यूटन है टोटल बल है, कितना हम बल लगाए हैं वो निकाल लेंगे किसे, तो 6 किलोमीटर इसका द्रव्यमान, सॉरी 6 किलोग्राम है ना जी, 6 किलोग्राम इसका द्रव्यमान दिया है और इसका त्वरण दिया है कि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या किया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। तो जो हमारा बल हम जो लगाए हैं 6 किलोग्राम का वस्तु है और उसको खींच रहे हैं तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से उत्पन्न है। इसका मतलब न्यूटन के दूसरे नियम से हम बल के फार्मूले से निकाल सकते हैं कि कितना बल उस पर कार्य करेगा। तो एम का मान है 6, ए का मान है 6, तो यानी 6 6 36 न्यूटन, यानी जो हम बल लगाए हैं उस पर 36 न्यूटन का बल लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देंगे घर्षण बल कितना आ जाएगा, तो 54 बराबर एफ घर्षण प्लस एफ बल, तो एफ का मान तो निकाल ही लिए कितना आ गया 36, तो एफ घर्षण बराबर क्या हो जाएगा, एफ घर्षण बल यानी घर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, तो 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा 18 न्यूटन, यानी जो हमारा बल लग रहा है घर्षण बल वो कितना लग रहा है 18 न्यूटन, ठीक है। तो घर्षण बल 18 न्यूटन है और मैंने बल लगाने में लगा दिया कितना 36, तभी तो कह रहा है 36 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, यानी घर्षण विरुद्ध के जो घर्षण विरुद्ध के बल, सॉरी कह रहा ना क्या कह रहा है कि जो खींच रहे हैं तो घर्षण बल एफ के विरुद्ध 54 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, यानी उसमें घर्षण बल भी इंक्लूड है और जो हम बल लगाए हैं वो भी इंक्लूड है। दोनों को ऐड करके हम कितना बल लगा रहे हैं 54, तो उसमें से घर्षण बल कितना है, तो सबसे पहले हम अपना बल निकाल लें कि हम कितना बल लगाए उस ब्लॉक पे, कितना लगाए 36 न्यूटन का, ठीक है। और घर्षण बल कितना होगा, तो नेट बल दिया आपको 54, 54 में से 36 घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि जो अदर जो बाह्य बल कार्य कर रहा है वो बाह्य बल क्या है, तो घर्षण बल वो कितना कार्य कर रहा है, तो नेट बल में से घटा दीजिए 54 में से 36 18, यानी 18 न्यूटन हमारा घर्षण बल कार्य कर रहा है और 36 न्यूटन मैंने बल लगाया, ठीक है। टोटल बल कितना हो जाएगा 54, वो भी किसके विरुद्ध, घर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 18 न्यूटन ऑप्शन नंबर किसमें दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अर्थात 72 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 18 न्यूटन, ठीक है। चलिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे समझ में आया होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिएगा अगला सॉल्व करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है, सेम फार्मूले पे है। कह रहा है एक संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या दिया है 3 माइक्रोफेरेड, यदि इसमें 108 माइक्रोकुलाम का आवेश हो, यानी क्यू का मान दिया है कितना 108 माइक्रोकुलाम का आवेश हो, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, वी का मान क्या किया है पूछा है, तो वी क्यू सी में रिलेशन होता है क्या, सी बराबर होता है क्यू अपान वी, वी का मान पूछा है तो वी बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान सी, क्यू का मान दिया है 108, सी का मान दिया है कितना आपका 3। यहाँ पे मात्रक नहीं चेंज किए क्योंकि इसका फेरड होता है इसका कुलाम होता है, तो माइक्रो से माइक्रो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों माइक्रो में है, ठीक है। तो इसका भी मान रखते हैं 10 की पावर -6, यहाँ पे भी 10 की पावर -6, तो -6 -6 कट जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं रखे हम। तो 108 में 3 से डिवाइड करिए तो 3 तिली के 9, 1 बचेगा 1 8, यानी 18 3 6 18, यानी कितना हो जाएगा 36 वोल्ट, कितना हो जाएगा 36 वोल्ट, जो तो संधारित्र के प्लेटों के बीच कितना भी विभवांतर हो जाएगा 36 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 36 वोल्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिएगा, बात समझ में आई होगी, बिल्कुल ये फॉर्मूला पे था, ठीक है। चलिएगा अगला सॉल्व करते हैं हम लोग, 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 74, ठीक है, दो क्वेश्चन बचा है, 74 और 75। क्या कह रहा है इसमें कि एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डुबोने पर 51 ग्राम है तथा पानी में 67 ग्राम है, अज्ञात द्रव का घनत्व है, ठीक है। एक पिंड का हवा में जो द्रव्यमान है, कोई पिंड है, इसे मान लेते हैं हमारा क्या है, पिंड है, तो इसका वायु में जो द्रव्यमान है, वायु में वो क्या है हमारा, 75 ग्राम है, 75 ग्राम। जब इसको अज्ञात द्रव में डाला जा रहा है, अज्ञात द्रव में, तो उसमें कितना भार है इसका, 51 ग्राम, और जल में डाला जा रहा है तो जल में इसका है कितना, 67 ग्राम, कितना है, 67 ग्राम, ठीक है, जल में कितना है, 67 ग्राम। तो कह रहा है क्या कि अज्ञात द्रव का घनत्व है, अज्ञात द्रव का घनत्व है, ठीक है। चलिएगा तो सबसे पहले देखिए, वायु में 75 ग्राम है, इसको अज्ञात द्रव में डाल रहे हैं तो 51 ग्राम हो रहा है, यानी वजन कम हो रहा है। वजन कितना कम होगा, तो जितना वो जो पिंड है, जितना पानी विस्थापित करेगा, यानी जितने द्रव्यमान का पानी विस्थापित करेगा, उतना ही क्या होगा, उसका वजन कम होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अज्ञात द्रव में हटाए गए द्रव का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कितना हटाए, टोटल उसका द्रव्यमान कितना है, 75 है, और उसमें से पानी में यानी उस द्रव में कितना है, 51, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, घटा दीजिए तो 4 और 2, यानी 24 ग्राम, यानी उस अज्ञात जो द्रव्य है उसमें इस 75 ग्राम का जो पिंड है उसको डालने पे 24 ग्राम पानी को विस्थापित कर रहा है, इसीलिए उसका पानी में द्रव्यमान कितना महसूस हो रहा है अज्ञात द्रव में, 51 ग्राम। क्योंकि आप भी जब जाएंगे पानी में डूबेंगे तो देखते हैं आपका वजन जो होता है कुछ कम महसूस होता है, कितना महसूस होगा, जितना पानी हटाएंगे, ठीक है। तो जितना पानी हटाएंगे उसी पानी का द्रव्यमान निकालें, कितना है, 24 ग्राम। उसी तरह जल में भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार किसमें, जल में, ठीक है, इसी प्रकार जल में, तो जल में हटाए गए जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 75 माइनस कितना कर देंगे, 67, यानी कितना हो जाएगा, 75 में से 67 घटा दीजिए, 8 7 15, यानी 8 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम हो जाएगा, बात समझ में आई है, चलिएगा तो 8 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा दें, इधर का मिटा देते हैं, इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, जो लोग नोट नहीं किए इसको शॉर्ट रिसन कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, तो देखिए इतना निकाल लिए, अब देखिए हमसे पूछा है अज्ञात द्रव का, क्या पूछा है, अज्ञात द्रव का घनत्व है, तो मान लेते हैं अज्ञात द्रव का घनत्व क्या है, डी है, ठीक है, और उस पिंड का जो पिंड है, पिंड का आयतन, ठीक है, सॉरी आयतन करें, द्रव्यमान मान लें कि आयतन माने, द्रव्यमान तो दिया ही, आयतन मान लेते क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, ठीक है। तो चलिए एक्स है, आपको पता है घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। तो यहां से हम द्रव्यमान बराबर निकाले, द्रव्यमान बराबर तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन, ठीक है। हमें घनत्व किसका निकालना है, तो अज्ञात द्रव का, उसको माने हैं डी माने हैं, ठीक है। चलिएगा तो पिंड का, तो ये हो गया ये वाला फॉर्मूला, देखिए द्रव्यमान हम लोग निकाल लिया है कि अज्ञात द्रव में द्रव्यमान कितना है, 24 ग्राम, ठीक है, और जल में कितना द्रव्यमान है, तो 8 ग्राम निकाल लिया ना। तो इसी से हम बनाएंगे क्या, एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बनाएंगे क्या, पहला इक्वेशन क्या बनेगा अज्ञात द्रव के लिए, क्या बनेगा इक्वेशन अज्ञात द्रव के लिए, तो अज्ञात द्रव में द्रव्यमान कितना है हमारा, अज्ञात द्रव कहाँ गया, 24,
तो 24 बराबर क्या हो जाएगा घनत्व। अज्ञात द्रव का घनत्व कितना माने है डी अगुड़े। आयतन हम कितना माने है पिंड का एक्स हो जाएगा एक्स। ठीक है चलिए इसको इक्वेशन बना देंगे पहला। ठीक है अब दूसरा बना रहे हैं जल के लिए। किसके लिए जल के लिए। जल के लिए तो जल में कितना आया है द्रव्यमान 8। द्रव्यमान कितना है 8 बराबर घनत्व। घनत्व जल का कितना होता है 1 होता है। ठीक है 1 मानते हैं अगुड़े। आयतन कितना है पिंड का तो एक्स है क्योंकि उसी तो पिंड को डुबा रहे हैं जल में भी और अज्ञात द्रव में ही। तो क्या हो गया उसका आयतन एक्स दोनों में एक्स ही होगा। घनत्व अज्ञात द्रव का निकालना है और जल का 1 होता है। ठीक है अपेक्षित घनत्व निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है ही। ये हो गया इसको इक्वेशन क्या बना देंगे सेकेंड बना देंगे। ठीक है अब क्या करिए इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन दो से क्या करिए भाग कर दीजिए या इक्वेशन दो में इक्वेशन एक से भाग कर दीजिए जो भी आपको करना है कर लीजिए। ठीक है तो चलिए इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं भाग करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या हमारा 8 है। ठीक है 8 है तो 8 में क्या करिए भाग करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड है 8 बटा में इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा 24 बराबर। इक्वेशन सेकेंड से भाग करें ना इक्वेशन सेकेंड से भाग करें ये हमारा 24 है। ठीक है अब यहाँ ऊपर तो इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू लिखाएगा तो इक्वेशन सेकेंड का ये है इसका वैल्यू क्या है ए का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स होगा बटे में। इक्वेशन फर्स्ट की इधर वाली साइड की वैल्यू क्या है डी एक्स यहाँ से डी एक्स तो एक्स एक्स कट जाएगा। डी का मान निकालना है त्रिया गुणा करेंगे तो 8 डी बराबर क्या होगा 24 तो डी बराबर क्या हो जाएगा 8 तरीके 24 यानी यहाँ से d बराबर निकाल देंगे 3 कितना आ जाएगा उसका घनत्व तो कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन में दिया है। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है अर्थात जो आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जी 74 ना इसको मिटा नहीं रहे हम यानी जो 74 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर डी बी में दिया है सॉरी डी कर रहे हैं बी में दिया है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी में तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है चलिएगा नोट करिएगा इतना। इसको नोट करने के बाद आगे हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसको देखते हैं। ठीक है इसको देख लेंगे तो हमारा जो पूरा मॉडल पेपर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है तो नोट करिएगा इतना शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए जिसको करना है। चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों तो जिन लोगों को क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहे वीडियो को। ठीक है क्योंकि वो लोग भी पॉलिटेक्निक का ही पेपर आपके दोस्त भी भरे होंगे जो लोग होंगे तो वहाँ पे शेयर करते रहिए। ठीक है और वीडियो को लाइक करते रहिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि यहाँ पे इस हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक के मॉडल पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाती है। ठीक है अब तो बिहार पॉलिटेक्निक की भी तैयारी चल रही है। ठीक है तो जैसे ही इसका पेपर खत्म होगा आपको बिहार पॉलिटेक्निक के अभी मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है चलिएगा तो देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना द्वारा जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या प्राप्त निकाल रहा है वो जी का मान 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है इतना प्राप्त होता है जबकि हमारा जी का मान जो होता है कितना होता है तो 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है तो कह रहा है कि तो जी के मान के अवकलन में प्रतिशत त्रुटि है यानी हमसे प्रतिशत त्रुटि क्या किया है पूछा है प्रतिशत त्रुटि कितना है। तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है प्रतिशत त्रुटि का तो होता है त्रुटि बटे में वास्तविक मान अगुणे 100 यही होता है। ठीक है तो वास्तविक तो मान हमें पता है कितना होता है इतना होता है त्रुटि तो नहीं पता है ना कितना है तो त्रुटि निकाल लेते हैं। त्रुटि कितना हुआ है भाई त्रुटि तो होता है हमारा 9.80 लेकिन माप रहा है तो कितना माप दे रहा है 9.9292 यानी ज्यादा हो जा रहा है तो त्रुटि के लिए ज्यादा में से कम को घटा दीजिए यानी 9.92 माइनस 9.80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इतने की क्या हो रही है त्रुटि हो रही है इतने की क्या हो रही है त्रुटि हो रही है। ठीक है इतने की क्या हो रही है
त्रुटि हो रही है तो त्रुटि परसेंट हम निकाल सकते हैं, हमें त्रुटि प्रतिशत त्रुटि पूछा है अवकलन में, तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रुटि कितना है 0.12 बटे में वास्तविक मान कितना होता है 9.8 अगुणे परसेंट के लिए 100 से गुणा। अब करेंगे तो देखिए ये जो दो जीरो है 100 से गुणा करेंगे 0.12 में, तो ये जो दोनों जीरो है इस दशमलव को हटा देगा, यानी हो जाएगा 12/9.8। ठीक है 9.8। अब इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 120/98। अब क्या करिए 120/98 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है कितना आ जाएगा, भाग करते हैं 120 में किससे भाग करिए 98 से, तो कितना आ जाएगा लिख लेते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं, आपका हो गया 120, इसमें भाग कर दें किससे 98 से, किससे 98 से, ठीक है तो आपका आ जाएगा 1.22%, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया है बी में, ठीक है इसका आ जाएगा जब भाग करेंगे तो 1.22 ऐसे जा रहा है, ठीक है तो हम क्या कर देंगे दो स्थान तक ले ले रहे हैं 1.22%, यानी जो उसमें त्रुटि होगी अवकलन में प्रतिशत त्रुटि जी के मान में वो कितनी हो जाएगी 1.22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है बी, 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है पुनः बता दे रहे हैं जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। इस हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉलिटेक्निक की विशेष तैयारी, यानी विशेष रूप से पॉलिटेक्निक की ही तैयारियाँ कराई जाती हैं, ठीक है और भी एग्जाम जो होते हैं वनडे एग्जाम हैं उनकी भी तैयारियाँ धीरे धीरे कराई जा रही है, ठीक है कोशिश करेंगे कराने की, क्योंकि MR का तो चलता ही है, अब UP पॉलिटेक्निक का भी चल रहा है, ठीक है मॉडल पेपर उसके भी अब अपलोड हो रहे हैं, तो जैसे ही आपका UP पॉलिटेक्निक का खत्म हो जाएगा तो बिहार पॉलिटेक्निक के ही मॉडल पेपर चलेंगे, ठीक है तो चलिएगा दोस्तों अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पे भी ना समझ में आया एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, यही आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ये आपके 2019 में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, जितने भी आपका बनेगा जितना भी ग्रुप बनता है, ठीक है यानी पेपर चार ग्रुप में आते हैं ना, जैसे पास पास में ही बच्चे बैठे रहते हैं तो सेम क्वेश्चन ही होता है, इधर उधर रहता है, ठीक है यानी हर क्वेश्चन जो मान लीजिए पहले नंबर पे जो इनका है वही पहले नंबर पे जो साइड में बैठे हैं उनका नहीं रहता है, क्वेश्चन इधर उधर रहता है, ठीक है लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं सारे वही होते हैं हर पेपर में, ठीक है तो ये जो पेपर था रियल पेपर था 19 में यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अब 2020 भी आपको सॉल्व कराएंगे सेम रियल पेपर ही होगा वो भी, ठीक है वो भी क्या होगा रियल पेपर ही होगा, यानी जो 2020 में आया था जैसे जैसे क्वेश्चन UP पॉलिटेक्निक ग्रुप ए में सेम क्वेश्चन मतलब जो होगा कराया जाएगा सॉल्व जो 2020 में आया था, ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर 2020 के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय धन्यवाद।